आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन YouTube चैनल। अगर आपको हमारा कंटेंट वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल है सीएम योगी, आगे हिंदी में लिखा है। सबसे पहले देखते हैं आई थिंक स्पीच है, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। हम सबकी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरोती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और आज जब नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में हम सफल इसलिए हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने एक ही लक्ष्य रखा था और वह लक्ष्य था प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वही उत्तर प्रदेश का मिशन है। यानी प्रधानमंत्री जी का विजन, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, यूपी का मिशन। और उस विजन के अनुरूप जब हम कार्य किए तो डबल इंजन की सरकार की गति को आपने बुलेट ट्रेन की तर्ज पर परिणाम देते हुए देखा है। और भाइयों बहनों, आज मैं यही कहने के लिए आया हूं, पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, गरीब को बुनियादी सुविधाएं देने का कार्य हो, किसी भी प्रकार की सुविधा देने का कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देने का कार्य, यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। और आज इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यह चुनाव भाइयों बहनों डबल इंजन सरकार के साथ तीसरे इंजन को जोड़ने के लिए, ट्रिपल इंजन को जोड़ने के लिए, चाहे वह नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायतें हो, इन सब में महापौर चेयरमैन के साथ साथ पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह से जीतने चाहिए, इसकी अपील करने के लिए आज मैं आपसे आया हूं। बोर्ड बनेगा तो जो पैसा दिल्ली और लखनऊ से आएगा उस पैसे का उपयोग आपकी आपकी सुविधा के लिए, अच्छी सड़कों के निर्माण के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, पेयजल के लिए, जल निकासी के लिए, सीवर लाइन के लिए और आपकी अन्य सुविधाओं के लिए उसका उपयोग होगा। उस बोर्ड के निर्माण के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको तय करना है, तय यह करना है कि हमें 17 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए। हम सबको तय करना होगा भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। हमें रंगदारी वसूली करने वाले गुंडे चाहिए या फिर गरीबों को और स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि देने वाली प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए। हमें सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए। हमें सणांद मारती हुई गलियां चाहिए या फिर स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी बदलती हुई सारी तस्वीर हम सबके सामने आनी चाहिए। और इस दिश से आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, हमें स्मार्ट सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।
सेफ सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वनिधि जैसी योजनाएं हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। भजन गंगा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और हमारे युवा भी स्मार्ट बने, उनके हाथों में टैबलेट होना चाहिए या एक हम सबकी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरोती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं, प्रचार की शुरुआती सहारनपुर से कर रहा हूं। मां शाकंभरी का आशीर्वाद मिले, माता बाला सुंदरी की कृपा हम पर बरसती रहे, चाहूं और खुशहाली रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। और इस दिश से आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं, हमने योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को दिया है। हमने किसी की जाति नहीं देखा, किसी का मत और मजहब नहीं देखा, हमने किसी का चेहरा नहीं देखा, हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मूल मंत्र को जीवन का हिस्सा बना करके हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। और इसलिए मेरी सहारनपुर के सभी नागरिकों से अपील होगी, हमारे जो एक प्रत्याशी महापौर के लिए एक सुयोग्य चिकित्सक, याद रखना चिकित्सक अगर आएगा तो सारी बीमारियों का समाधान भी करके जाएगा। ये चिकित्सक इसीलिए यहां पर दिया जा रहा है कि चिकित्सक खत्म हुई। ये थी सीएम योगी की तमन्नाएं और जुएं, और अपने जो अवाम है, अपने मुल्क के जो लोग हैं, उनको किस तरह लेकर जाना है आगे, वो थी। और जिस तरह वो लेकर जा रहे हैं आगे, ये सारा लुगलबाब इसका यही था। तो नेक्स्ट जो इलेक्शन हो रहा है उसके रिलेटेड ये कोई एक फंक्शन था, उसमें योगी सर का कॉन्फिडेंस देखने वाला था कि जो अपनी अवाम के बीच में अपने अपॉर्चुनिटी और जिस तरह उसने अपने लोगों को और डिलीवर किया है हर चीज़ अपने सूबे में, अमन अमान और दहशतगर्द नहीं बोल सकता मैं, जो माफिया के खिलाफ मुस्लिम माफिया थे यार, सीधी बात, मुस्लिम माफिया थे ये, मुस्लिम होंगे बदमाश तो उनके खिलाफ, मुस्लिम माफिया थे, हिंदू माफिया नहीं, असद भाई हिंदू माफिया नहीं, मुस्लिम माफिया कहे भाई, आप बोल सकते हैं, आपको कोई पता नहीं है ऐसी, बिल्कुल मुझे कोई पता। अच्छा एक मिनट, तो दुबे विकास दुबे भी एक हिंदू था, ऐसे उसके जो गैंगस्टर थे, उसके गरिंदे थे, वो सारे उन्होंने खत्म किए। वो तो वो एक था जो 2 साल पहले मर गया, न जाने और कितने उनका नाम तक ही नहीं उनको मालूम, समझ में आई मेरी बात भाई आपके पास सबूत नहीं होता तो आप ऐसे बहस मत किया करो, बगैर यार आप ठीक कह रहे हैं, बगैर सोचे समझे आप किसी पर इल्जाम लगा देते हो यार, कोई सबूत भी नहीं होता, इल्जाम लगाते ही नहीं हूँ मैं, जो हकीकत है वो कह देता हूँ। अच्छा बात आपको क्या पता है कि उधर मुस्लिम है जो है वो अतीक अहमद जो वो अच्छा इंसान था, मैंने कब कहा था वो अच्छा, तो फिर क्यों बात है, मैंने क्या ना बोला यार, रिएक्शन किया करो ऐसे, मैं रिएक्शन नहीं कर रहा, उसने कौन सा नाम बोला, उसने सिर्फ यही कहा हिंदू मुस्लिम भाई, अटैक करता है ना वो हर बात में अटैक करता है कि मुस्लिम क्या, ऐसी बातों से
भेदभाव बढ़ता है कि भाई उसके नजर में मेरी बात सुनो, सीएम योगी के नजर में जो भी तक भाई गुजार माफिया उसको खत्म वो किया उसने। मैंने ये बात की है कि उन्होंने मुस्लिम जो है ना मुस्लिम दूसरे माफिया मैंने ये बात विकास दुबे कौन था मुस्लिम था वो तो कोई एक पर्सन उन्होंने नाम ले दिया और उसको मारा हुआ तो उसको तो ठीक है मत ये किया और वो कितने को मारा है जो उसने मारा था उसके बाद को खबर आई है क्या मत के अलावा कोई मुस्लिम है को उसको मारा हुआ मेरा बात करने का आप समझ नहीं रहे भाई गुलजार मेरी तो बात सुने मुद्दे की तरफ जी बोले जहाँ तक मेरे भाई डेवलपमेंट की बात हो रही है तरक्की की बात हो रही है वो मैं भी मानता हूँ कि वो लोग अपने खित्ते में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चाहे वो कोई मुस्लिम के लिए कर रहा है या गैर मुस्लिम के लिए वो लगे हुए हैं। जहाँ पर आ जाती ना मेरे भाई मजहब की बात तो योगी सर खुलम खुला क्या देते हैं कि हमें हिंदुइज्म जो है ना उसको प्रमोट करना है। समझ में आई मेरी बात? इधर तुमने कोई बस नहीं बोला कितनी बार उन्होंने अपने ही मजहब की बात की ये तो नहीं किया कि इस पूरे राज्य में हम सबको साथ लेकर चलेंगे। भाई इस वीडियो में उन्होंने ये बोला एक मिनट मैं आपको काटूंगा। इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि हमने नहीं देखा किसका चेहरा क्या है हमने नहीं देखा किसका मजहब क्या है हमने कुछ नहीं देखा। जो लोग अच्छे थे उनको आगे ले रहे हैं जो बुरे थे उनके लिए मैं सख्त हूँ। अच्छा यूपी बिहार में क्या मुसलमानों की बहुत ज्यादा तादाद है? हाँ बहुत है हिंदुओं से ज्यादा है। मेरा ख्याल है कि हिंदुओं से भी ज्यादा मुसलमान है यूपी में। अच्छा यूपी में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम तभी वो ज्यादा माफिया मुस्लिम ही है। तो सारी बात जहाँ लोगों को बात जिस मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। अच्छा कितने माफिया को आप जानते हैं हिंदू या मुस्लिम उधर के? कितने माफिया को मैं जानता हूँ क्या तुझे पता है? क्या सर्च है आपको? मेरी सर्च बिल्कुल नहीं है। आप वीडियो के रिलेटेड ही पता है कि एक अतीक अहमद आया है एक दुबे आया और हमें क्या सर्च पता है? कोई हमें इंडिया का पता है? तुम्हें सिर्फ दो के नाम आते हैं। तुझे पता है तो बता दो। आप जो अपोजिशन पार्टी है इनकी जनता पार्टी उसमें कितने मुस्लिम लीडर है आपको पता है? नहीं पता। नहीं पता नहीं उसमें 10% भी नहीं है। समझ में आई मेरी बात? लेकिन वो क्यों शोर मचाते हैं के मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है अपनी पॉलिटिशियंस के लिए? अपनी पॉलिटिशियंस के लिए अच्छा पॉलिटिशियंस से अलादा भी कोई मेरे तो बात सुने पॉलिटिशियन के अलादा कोई आवाज उठाता है तो मुझे दिखा दो। मुझे एक बात बता आज आम जनता की आम जनता की एक मिनट मेरी बात सुन आज के दौर में पॉलिटिशियन से बड़ा गुंडा है दुनिया में कोई? आप इन्हें गुंडागर्दी करनी है तो पॉलिटिशियन तमाम कंट्रीज में ऐसा नहीं है। समझ में खास करके दोनों कंट्रीज पाकिस्तान इंडिया की मैं बात तमाम कंट्रीज में ऐसा नहीं है। अगर आपने गुंडा कर दी है तो आपको पॉलिटिशियन की सपोर्ट लाजमी चाहिए पीछे से वो नहीं है तो आप सारे बाजार मारे जाएंगे। असद भाई मुझे एक बात और गुंडे ने अपने कर नजायज कारोबार को कंट्रोल करना तो उसके लिए आपको सियासत चाहिए। अच्छा मेरी तो बात सुने जो अतीक अहमद पर अटैक हुआ है उन को मारा गया है कोई आम जनता से किसी ने उसके साथ 100% गलत हुआ है और गैर कानूनी तरीके से हुआ होना यही चाहिए था उसे सजाए मौत होनी चाहिए थी लेकिन गलत तरीके से मरवाया गया उसे और उसके साथ बिल्कुल गलत हुआ है। किन्होंने मारा है? और ये आम शहरी ने मारा है? नहीं आम शहरी ने मारा। किसने मारा है? आपने क्या अकल को कहीं और पर रख कर ये सवाल मुझसे किया है? मुझे ये आदमी ने मारा पावर है ना? मेरी तरी कितनी पावर हो सकी शिवाज शरीफ को गोली मारने? अच्छा इमरान खान को किसने मारा है? एक मिनट मेरी बात का जवाब। इमरान खान को गोली किसने मारी? यार मैं कहता हूँ वो लीडर सियासतदानों ने मरवाई है मैं कहता हूँ और मुझे पता है कि वो सियासतदानों ने मरवाई है आपको भी पता है मेरे भाई ये सब बातें ये जानते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि गलत तरीके से कभी भी ठीक काम नहीं होता उसके रिजल्ट बाद में आपको जो आपको नेगेटिव उसका रिजल्ट मिलेगा। मेरे भाई विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ वो सही तरीके से हुआ था? वो भी गलत तरीके से हुआ मेरे भाई 100% गलत तरीके से हुआ। क्या करना चाहिए था? उसको भी पकड़ कर सजाए मौत देनी चाहिए थी मेरे भाई। अच्छा अदालतें देती है आपके कानून की ताकत का पता चलता कि आप अदलिया कितनी आजाद है आपकी आपके कानून का पता चलता आपके संविधान का पता चलता आपके बयाने की बात आपके सियासत का पता चलता है प्योर और माफिया जो है वो प्योर और अच्छी सियासत का जो प्रचार पूरी दुनिया में करते हैं और मोदी साहब को कहते हैं और उनकी पार्टी को कहते हैं कि ये बहुत अच्छी पार्टी है उनकी पावर का पता चलता आपके कानून का पता चलता आपकी अदालतों की ताकत का पता चलता मेरे भाई। जैसा कि हर मुल्क में इंसाफ होना चाहिए ये इस लिहाज से है वो सजाए प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा मेरे भाई वो सजाए मौत पाते तो चंद और लोगों को पता होता भी हमें अदालतों से रिहाई नहीं मिलेगी। आप जितना उनके लिए अंदर कालक रखते हैं गंद रखते हैं वो उतना ऊपर जा। मैं यार कालक नहीं रखता मैं जहाँ पर वो गलत है उन्हें कहूंगा गलत काम उनका ये था कि उन्हें पकड़ते तुम्हारे पाकिस्तान में जो इनकाउंटर होते हैं वो सही होते हैं वो भी गलत होते हैं मैं कब कह रहा है कि वो सही होते हैं। अच्छा
इनकाउंटर का तो लफ्ज ही मेरे भाई जवाब वहां बनता है जहां आपको डायरेक्ट निशाना बनाया जाता है, जैसे कि हमारे पुलिस फोर्स को बनाया जा रहा है। तो अच्छा, वो डायरेक्ट इनकाउंटर तुम्हें पता था कि जब अपना विकास दुबे को मारा गया वो उन्होंने जानबूझकर मारा, जानबूझकर मारा, ये जो बड़े लोग उन्होंने जानबूझकर मारा जाता है। एक मिनट, तुम ताकि इनकी पुष्ट बनाई बहुत आगे, एक मिनट, तुम मूवी बना रहे थे? मूवी नहीं बना रहा था, कैमरामैन थे, कैमरामैन थे। सारे मुद्दे पर आते हैं कि जो ऐसे माफिया होते हैं उनके साथ ऐसा सलूक होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शरे मैं तो अगर ऐसा सलूक होता है एक उसको चुराए पर जान देना चाहिए। आने वाले ये तो बोलता है ना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। चुराए उसको शरेआम चौक पर लटका कर उस पर घोड़े बिछाने चाहिए, सीधा अटैक उसके सर पर करना चाहिए। शरेआम उसके बाद नसीहत मिले कि ऐसा आप काम नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल, यही काम अंग्रेज किया करते थे मेरे भाई, मैं आपको समझाता हूँ, यही काम अंग्रेज किया करते थे। और हजारों की तादाद में नीचे से लोग नफरत करके उनके सामने आ जाते थे। अच्छा, गलत को कर, चाहे वो उनके नजर में वो भी गलत थे। हम कहते थे ना, हम कहते थे कि हमारे अच्छा, वो लीडर थे अंग्रेज, क्यों सऊदी अरब में कानून है, वो तो शुरू से ही कानून है उनका, तो फिर गलत कहना उसको, उनको गलत बनाओ ना। आपको आपने वो बात छेड़ दी जिसका आपको बिल्कुल पता नहीं है, मुझे सारा पता है। हमारा इस्लाम का कानून, वो दिन दहाड़े क्यों गर्दन उतारते हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ ना आपको, उनका शुरू से ही कुरान को पढ़ लो, हदीस पढ़ लो, उनका कानून है कि जो कातिल साबित हो जाए उसकी गर्दन उड़ा दो। अगर इंडिया का संविधान में, इंडिया की किताबों में, मजहबी में, कानून में कहीं लिखा है तो वो भी करे। अच्छा, मुस्लिम करे, सऊदी अरब का यार उनका कानून, उनका इस्लामी कानून है। एक आदमी कराए वो शरेआम गोलियां किसी को मारता है, उसके बाद वो उसको जेल में ले जाए, उसको ऐसे करना नहीं, उसको जेल में मारना चाहिए, जेल में ला जाए, गवर्नमेंट के जो खर्चे करवाए उसके बाद अदालत ले आए, ले जाए, संविधान को पार कर फेंक दो मेरे भाई, मेहमान की तरह कहो कि हमने ऐसा ही करना है। तो आप संविधान की बात क्यों करते हैं कि आप इंडिया कितना अच्छा संविधान है? भाई आप जलते रहो और जलते, आपकी आगे से और पीछे धुआं निकलता है, कुछ नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता। नहीं मेरे भाई, उन्होंने जितना करना है ना, मैं वो कहूंगा। और आज दुनिया का डंका, इंडिया का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, और इसके दूसरा असर नतीजे आपको बहुत जल्द मिलेंगे। कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था योगी सर की लैंग्वेज से, एक मिनट निकाल भाई, असद भाई का उसके दूर असर नतीजे होंगे, उसके दूर इलेक्शन में नजर आ जाएगा। एक मिनट, दूर नतीजे ये होंगे, दुनिया आने वाले कुछ चंद सालों में किसी कौन भी बनेगा इंडिया, फिर आने वाले कुछ चंद सालों में वो नंबर टू, फिर आने वाले कुछ चंद सालों में वो नंबर वन पर होगा, और ये उनका आने वाला दूर असर नतीजा है। मैं बताऊँ आपको नंबर वन का हाल क्या है, अमेरिका को आप नंबर वन कहते हैं ना, अमेरिका में सबसे ज्यादा झड़पें होती हैं। भाई आप किसी और तरफ निकल के, बात ये है, और ये दूर तक वो अपने अपने अवाम का, अपने अवाम को एतमाद हासिल कर चुके हैं। एतमाद दुनिया उनकी अवाम 80% उनके साथ है, और जहाँ अवाम होती है वही सब कुछ होता है। उनकी कामयाबी का, उनकी कामयाबी का आप बोलते हैं ना, उसकी जो है अपोजिशन खत्म हो चुकी है, जो बीजेपी अपोजिशन खत्म हो चुकी है, वो गलत काम करते तो उनके भाई गुलजार, आप समझने की कोशिश नहीं, आप समझने की कोशिश नहीं करी ना, मैं उनकी पॉलिटिशियन की तारीफ कर रहा हूँ ना, मैं उस बंदे की तारीफ कर रहा हूँ जो मरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका अच्छा किया काम है, अगर उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो शेयर हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नए वीडियो में, नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।